आओ, इन्वेस्टिगेशंस, जांच। इसमें दो है, एक वेस्टर्न ब्लॉट जो मैंने लिखा है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें तुम लिख लो एलिसा। एलिसा सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं पता होता, इसी के लिए जांच नहीं किया जाता, एलिसा का और भी उपयोग है जो मैं अभी मेंशन करूंगा। ओके, तो स्क्रीनिंग टेस्ट है एलिसा का। एलिसा का फुल फॉर्म लिख लो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। क्या होता है सर? तुम्हारे यहाँ ठंडा पानी है स्मृति? ये स्मृति, क्या लॉजिक है? अरे है या हाँ नहीं है। बताओ तो, जल्दी से मुंह धो के आओ, चलो दौड़ो, कम ऑन क्विक, चलो चलो, नींद भागेगा है ना, चलो सर मैं नींद में नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने बोला है कि एलिसा के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी का वीडियो, और उस दिन सिर्फ तुम और शायद यही थी, रेवती, राइट रेवती, मैं गलत नहीं हूं तो? राइट बोलो, रेवती को याद है और तुमको नहीं, जबकि तुम दोनों वही समोसा सर, वही हमें चटनी भी खाती हो दुकान बता से। दो। फ्लैग तुम देख लो बायोटेक्नोलॉजी का वीडियो, कुछ नहीं, एंटीबॉडी का सब देख, प्लीज। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीजन वहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके लिए कुछ जांच होता है, एक कलर आता है, वो कलर देख गया तो चलो ठीक है, हो गया कुछ ऐसा ही, ठीक है, वो वीडियो देख लेना पता चल। राधा हाँ ठीक है, एक है वेस्टर्न ब्लॉट, इसमें भी एंटीबॉडीज, ठीक है, इसमें भी कलर ही देखते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज अगर दिखा तो हो गया खत्म, ठीक है, लेकिन सब दिखेगा विंडो पीरियड के बाद, सब कब दिखेगा, विंडो पीरियड के बाद। चलो, एलिसा और भी अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, मैं चाहूँ तो चाहता हूँ कि उसको यहाँ पे लिख दू, एलिसा का यूज अलग अलग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है, या किया जा एक सकता बार पीछे। है। अरे भाई लिख लो, भाई लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो वेस्टर्न ब्लॉट। चलो, इसका यूज किया जा सकता है प्रेगनेंसी टेस्ट में, वहां पर एचसीजी का प्रेजेंस अगर देख लिया गया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोट्रोपिन, अगर यूरिन या ब्लड में दिखा, दैट मींस द फीमेल इज प्रेग्नेंट, ठीक है, तो इसको, इसका प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज किया जा सकता है, धीरे फिर से बोलो। प्रेगनेंसी टेस्ट, ये तुमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में काफी डिटेल में बताए हैं, ठीक है, एचसीजी का प्रेजेंस साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बताता है दैट फीमेल इज प्रेग्नेंट, ठीक है। दूसरा, एड्स का टेस्ट है ना, या एचआईवी जो भी कह लो, ठीक है, कुछ कुछ और एसटीडीज के टेस्ट, इनसे पता चल सकते हैं एंटीबॉडीज है, एंटीजन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कुछ थायराइड डिसऑर्डर्स के टेस्ट, और भी कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जिनके टेस्ट पता किए जा सकते हैं, ठीक है, ईटीसी डाल दो। ठीक है, क्विकस्ट सर यहाँ पे, इन सब के लिए एलिसा कर सकते हैं। हाँ एलिसा का यूज किया जा सकता है, सब में एंटीजन एंटीबॉडी चल ही रहा है ना, तो किया जा सकता है एलिसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो एड्स के ट्रीटमेंट का बात करें, तो देखो ट्रीटमेंट कहना तो गलत होगा, बट हाँ कुछ दवा दारू है जो क्या करता है, पेशेंट को कुछ दिनों तक, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि इसके इफेक्ट को कम करके रखता है थोड़ा सा, ठीक है, ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा कम करके रखता है, या ऐसे उल्टा इसको समझ लो कि पेशेंट को अगर मरना है 2 महीने में तो 1 महीना बढ़ा देगा, दैट्स इट, बट इस केस में, इस केस में, ठीक है, एड्स के केस में डेथ इनएविटेबल है, मृत्यु तो सत्य ही है, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, और मैं एक बार कैंसर में भी डेथ कंपलसरी है, यहाँ ठीक पर नहीं जो होता। एंजाइम्स, सॉरी, यहाँ पर जो टैबलेट्स यूज होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए बना रहा था ना, बोलो भाई, बना रहा था ना, उसको रोकने वाला होता है, यस सर, इनहिबिट करने वाला वो होता है, या फिर प्रोटीएज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, तुम्हें पता है, तो तुमने अगर पढ़ा होगा डीएनए का वो जो सेंट्रल डॉगमा का मैंने बताया था, उसमें प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबका मैंने रोल बताया था, ठीक है ना, प्रोटीएज है, इंटीग्रेज है, तो उन सबको इनहिबिट अगर किसी भी तरीके से कर दिया जाए तो
तो इफेक्ट क्या होता है, कम हो सकता है भाई, वायरस का रेप्लिकेशन कम हो जाएगा ना रेट, लेकिन कितना कम कर लोगे? घर में तो हर एक सेल में बैठा रहेगा 12 सप्ताह, समझ रहे हो ना क्या हो जाता है? क्यों भाई नहीं समझ रहे हो? रेवती तुम नहीं समझ रही हो? 12 सप्ताह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो कुछ कुछ टैबलेट्स हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला, वो है ज़ाइडोव्यूडीन, ठीक है? मैं लिख दूं क्या? वैसे लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मौत तो है ही, ठीक है? जो अच्छे अच्छे हैं मैं वो लिख देता हूँ, जैसे ज़ाइडोव्यूडीन है, डाइडियोक्सी एमिडीन है, ठीक है, DDI जिसे कहते हैं, या स्टेव्यूडीन है, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद है राइटोनावीर, ये सब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले, ये ऊपर वाले, नीचे मैं लिख रहा हूँ ये है प्रोटीएज वाले, लाइक राइटोनावीर, नेल्फीनावीर, और एक होता है इंटीग्रेज वाला, वो तो रैल्टी ग्रेवीर, ये सब दवा है, ये जो इंटीग्रेज इनहिबिटर होता है उसे कहते हैं रैल्टी ग्रेवीर। तुम कितना भी दवा लिख लो, बट लास्ट तुम्हें मैं एक लाइन लिख दूंगा, किसका इनहिबिटर? ये होता है इंटीग्रेज का। किसका होता है? इंटीग्रेज। कुछ कुछ केस में एक्चुअली हार्ट भी दिया जाता है, जिसे कहते हैं हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, समझ रही हो? उसमें क्या दिया जाता है? इन्हीं सब का कॉकटेल, यही सारे दवा का कॉकटेल। चाहो तो मैं वो भी लिख ही देता हूँ, लाओ लिख दूं क्या? रेवती बोलो, हार्ट, yes, sir. इसे कहते हैं हाईली एक्टिव। अब इसमें क्या होता है, इन्हीं सब का कॉकटेल पिलाया जाता है, कॉकटेल दिया जाता है, पिलाया नहीं जाता, कॉकटेल दिया जाता है, ठीक है, बॉडी में हाईली एक्टिव। अरे दारू का कॉकटेल नहीं बनता है क्या स्मृति? कॉकटेल क्या होता है? अरे भाई बताओ। अरे वो सुंदर से ग्लास में आता है जो नुकीले नुकीले, अलग अलग मिला के, अलग अलग मिला के काफी टेस्टी से बनाया जाता है। ओके समझ गए। तो देखो यहाँ पे हवेली पे पिलाएंगे तुम्हें भी। हाँ वही वही, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इसमें क्या होता है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, उसमें कॉकटेल दिया जाता है इन सब चीजों का, लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का, प्रोटीएज इनहिबिटर का, इंटीग्रेज इनहिबिटर का, ताकि क्या हो, थोड़ा सा असर कम हो। तो इसमें ये लिख सकती हो, ट्रीटमेंट इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। चलो मैं अपने फेवरेट कलर से लिखता हूँ, फेवरेट बातें, पहले एक चीज पूछूं, ये आपकी फेवरेट लाइन थी? फेवरेट कलर थी, शाबाश, फेवरेट कलर थी। हाँ बोलो बोलो। कैंसर कंपलसरी नहीं है ना डेथ? उसमें भी है कंपलसरी नहीं, बट रेट बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं, यस, बट मतलब बट उसमें बच भी सकते हैं ना, इलाज पॉसिबल है, ठीक है क्या? हाँ पॉसिबल है इलाज, बट इसमें तो मौत होना ही है, एड्स में तो मौत ही मौत है, ठीक है? तो कितना भी कुछ कर लो, चलो थैंक यू, है क्या करो, कुछ नहीं करो, बैक करो ना। और तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो घर में? मुझे साफ साफ बता, करती हूँ, मुझे विनोद बता रहा था, वो मेरे घर में तो नहीं रहता, रहता है, घर पे नहीं रहता, मोहल्ले में रहता है, विनोद तो मैं जाऊँ, आज से दिखा नहीं मुझे कभी, मुझे इतना नहीं पता, बस मुझे जो बोला गया मैं, विनोद माइक खराब है, गाना नेट तेरा वीक है, माइक खराब, घंटा क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है आप, ठीक है।
नहीं कुछ भी मतलब कुछ भी, अरे सही में खराब था। अरे भाई जाओ बर्तन वर्तन धो है ना, अपने घर का, अपने घर का कम पड़ रहा, मोहल्ले में निकल लो है ना, गमछा वमछा बांध कर काहे मतलब। खाना बना लो, खाना वाना बना लो, बर्तन वर्तन धो लो, ऐसे कमा ले जा, मोहल्ले में निकल जाओ। दादा बोल रहे हो और अपने और सुनो और अपने साथ और सुनो अपने साथ छेले चपाटी को जरूर ले जाना है ना, सबके साथ पजामे में रहो, चेले चपाटी को जरूर अपने में ही है। हाँ पजामे से बाहर मत निकलो फिर, तू चुप रह, ज्यादा मत बोल, तू कम बोल, एक्शन लेना चाहिए मुझे, बोलेगा तब कहाँ बोल, अभी बोला ही कहाँ है सर, लो ना बोल कर धमकी दो, बस कुछ नहीं कर सकते, अभी बोला ही कहाँ है, भी नहीं कर सकते, बोला ही क्या है, बोलने देंगे हम तुझे जैसे। अरे स्मृति तुम बड़े खून को मत लगाओ सर, आप अंडरएस्टिमेट कर रहे हो आखिर, कोई नहीं हम एक्शन लेंगे, तुम बस देखते रहो। जन्म किस जन्म में सर, किस जन्म में, आपकी एक बात भी नहीं सुनी जा रही, पता है आपके सामने झगड़ा हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ बोले ही नहीं है हम तो, रुकने के लिए बोले ही नहीं। देखो सर आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, कुछ करके दिखाओ, कौन, अच्छा हम लेंगे एक्शन, हम लेंगे, तुम टेंशन मत लो, अभी मैच में आइए, हम सालों से यही खेल रहे हैं भाई, कुछ नहीं होता। चलो भाई विनोद और मनदीप, मनदीप और विनोद प्रिवेंशन के बारे में कुछ बताओ, एड्स के प्रिवेंशन के बारे में, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बस जान लेता हूं, मौका देना चाहेंगे, चलो बोलो भाई बताओ, स्टार्ट हो जाओ, कम से कम दो आदमी हो तो तीन बताओ, तीन प्रिवेंशन बताओ कम से कम, जल्दी चलो, स्मृति को मौका देना चाहेंगे। देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, इंडिया, हमारे इंडिया में ठीक है, एड्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं नेको, ठीक है, और भी बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज हैं तुम्हें पता होगा, ठीक है, यहाँ तक कि WHO भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है लोगों को एजुकेट करने में कि इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एज यू नो एड्स हैज नो क्योर, सो प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन है ना, प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है इससे बचने का, इजंट इट, बोलो। तो इसके लिए नेको, नेको जरूर लिख लेना, नेको का फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है नेको, जो क्या करता है, एड्स से रिलेटेड जानकारी देता है लोगों को, ठीक है, कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रोग्राम को इनिशिएट करता है, ओके समझ में आ रहा है। दूसरा बात, जो ब्लड टेस्ट होता है, जो ब्लड बैंक्स में ब्लड लिया जाता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, हर वक्त ब्लड का चेक किया जाता है, और तो और हॉस्पिटल्स में यू नो डिस्पोजेबल सिरिंजेस का यूज होता है, पहले नहीं होता था ना, याद करो, याद करो भाई, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ये होता था क्या, स्मृति, स्मृति होता था क्या? कैसे पता होगा सर, अरे स्मृति से पूछ रहे ना, स्मृति काफी बुजुर्ग है, यहाँ पे 50 साल से कम की नहीं होती तो उस वक्त क्या किया जाता था, वो डिस्पोज, वो सिरिंज जो होता था ना उसको गर्म पानी में धो के फिर से उसी को यूज किया जाता था, ऐसे वैसे कुछ होता था, ठीक है, अब क्या होता है, डिस्पोजेबल सिरिंज, एक बार यूज, यूज एंड थ्रो, एक पेशेंट एक बार, यही होता है ना, बोलो होता है कि नहीं होता, बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उसी को गर्म पानी से ठीक है धोया जाता था, ठीक है, और सैनिटाइज वैनिटाइज किया जाता था, उसके बाद यूज किया जाता था, चलो अब ये सब नहीं होता, ठीक है, यहाँ तक कि ब्लेड्स जो यूज होता है बार्बर के यहाँ, वो भी क्या होता है, चेंज होता है हर बार, होता है ना, ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड एक कहानी बताएंगे, फनी कहानी, अभी तुरंत बताएंगे, कल एक्चुअली मैं सेविंग करवाने गया था तो कुछ हुआ था, मैं बताऊंगा, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो तुम लोग जानते हो, मैं तुम लोगों के ह्यूमर पे छोड़ता हूँ, है ना, तो ये क्लास यहाँ संपन्न होती है।